तू नहीं, सिर्फ हालात बुरे हैं, नहीं सिचुएशन खराब, तेरी जिंदगी नहीं। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, ये सुना तो तूने कहीं ना कहीं होगा, लेकिन तेरे साथ ऐसा जरूर होगा। पता है क्यों? तूने क्योंकि मेहनत करी है। तू आज जो सोच रहा है, तेरे दिमाग के अंदर जो बातें आ गई है ना, वो तेरी नहीं है, वो तो लोगों ने तेरे अंदर भर दिया है। तू जो सोच रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, एक बात कहूँ तुझसे, सिर्फ तुझसे ही होगा, क्योंकि तू यहाँ था, किसी और की तो बस की पहले ही नहीं थी। तुमने इनिशिएट लिया क्योंकि किसी और में तो हिम्मत ही नहीं थी। तू आगे बढ़ा क्योंकि सिर्फ ये रास्ता तेरे लिए बना था। तुझे क्या लगता है, तेरे ये इनिशिएट लेना, तेरे यहाँ तक आना, ये सिर्फ तेरा डिसीजन था? नहीं रे, ये उस ऊपर वाले का भी डिसीजन था। अगर वो ऊपर वाला नहीं चाहता कि तू तेरी मंजिल तक पहुंचे, तो वो तुझे यहाँ तक भी क्यों लेकर आता? क्यों आखिर तूने अपनी जिंदगी के अंदर इतने सैक्रिफाइसेस करे? क्यों आखिर तूने अपनी लाइफ के अंदर इतने सारे इनिशिएटिव लिए? क्यों इतना हारने के बाद, इतना गिरने के बाद, अपनी लाइफ में इतनी सिचुएशनों को फेस करने के बाद भी तू खड़ा था? तो रीजन, और उस रीजन का कई गुने चांसेस ज्यादा ये है कि तू इसके आगे जाने के लिए आया। ये सिचुएशन बुरी है, बहुत बुरी है, आई कंप्लीटली अग्री। सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आई कंप्लीटली अग्री, नहीं मिल रहा, लेकिन ये बात कहां लिखी थी कि हर सिचुएशन का सॉल्यूशन यूं मिले? कई दफा तुझे मेहनत करनी पड़ती है, कई दफा तुझे अपने लक्ष्य पर पाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, ये तो पहले भी कर चुका है ना। क्या गलत है? ठीक है और स्ट्रगल से ठीक है ना यार, इसमें कम से कम मजा तो आ रहा है, ठीक है ना यार, कम से कम तो जिंदा तो है, क्योंकि हर वो इंसान जिंदा है जो तो सीख रहा है, तो सीख रहा है सीखा इस दुनिया के अंदर, वो इंसान सीख रहा है। क्यों इसे अचीवमेंट के पीछे भागने के लिए बना, इसे एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख। सिचुएशन को लिए आई कंप्लीटली अग्री, लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है, आई कंप्लीटली अग्री, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, रिलेशनशिप्स भी बिगड़ रहे हैं, हर सिचुएशन बिगड़ रही है, सबसे ज्यादा